मेरे को विश्वास है सभी पार्टी वाले मेरे को सपोर्ट करते हैं। तरह से आज मराठा समाज की तरफ से एक विरोध किया गया जिसमें अमजी मोड़े साहब ने जो अपना नॉमिनेशन विड्रा किया था काफ़ी विरोध दिखा सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो इंसान सीनियर हैं, एक एक्स एमएलए हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि जूनियर हूँ। उन्होंने एनसीपी का टिकट लिए, एक मराठा समाज के देश के सबसे बड़ा नेता शरद पवार साहब है, वो देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने, एक एनसीपी का टिकट लेके, वो भी पार्टी सत्ता में है, वो महाराष्ट्र में आलगड़ी, और उनके डिप्टी सीएम अजीत पवार साहब हैं, इतना बड़ा वो भी पार्टी है, लेकिन उसका टिकट क्यों लिए मेरे को समझ में नहीं आया। जब उन्होंने जनता दल में थे, जनता दल में टिकट लेना था, छोड़ के एनसीपी में लिए, एनसीपी से नॉमिनेशन भी भगे, उसके बाद वो भी मराठा कम्युनिटी का बड़ी पार्टी है, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी में चले गए, वो भी ऐसा बीजेपी में चले गए कि विड्रॉल के टाइम पे, मेरे को थोड़ा उनको ये लगता है कि इन्होंने इलेक्शन आए जब पार्टी बदलने का आदत मोड़े साहब को पहले से है, और इस बार उन्हें क्यों गए वो आप उनको पूछो। लेकिन एक समाज के नाम पे इन्हों समाज के लोगों का विश्वास कमाना, ऐसा करना मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, बसवा कल्याण स्वाभिमान के लिए देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। सब मिलके एक हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन एक हक के लिए समाज को ऐसा अलग दिशा में नहीं लेके जाना चाहिए, मेरा सोच है। मोड़े साहब से जब पूछा गया कि विड्रा का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि 6 शर्तें थी उनकी, जिसे बीजेपी ने क्या है पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है, तो क्या ये आश्वासन खाली आश्वासन रहेगा? आपको क्या लगता है कि पूरा भी करेगा? नहीं, 6 शर्त पहले करके तो फिर नॉमिनेशन क्यों भगे एनसीपी से, ये मेरे को मेरी एक सवाल है। जब 6 शर्त गए तो डिस्कस ऐसा करना था, देखो हमारा ये शर्त है, ये शर्त आप पूरा करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते, बोलना था। एनसीपी से नॉमिनेशन भाग के विड्रॉल करने की क्या जरूरत थी, ये मेरी सोच है। सर, पहले भी बीजेपी ऑलरेडी कमिटमेंट कर दी कि हम करेंगे, तो अभी तक नहीं करे, तो की सब आप करेंगे बोलो, क्या उम्मीद है? देखो, मैं उसके बारे में उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक दुख क्या है, ये 6 भरोसा करना है तो नॉमिनेशन क्यों भगना, नॉमिनेशन भगने के बाद कैंडिडेट थे उन्होंने, भरोसे का बात ही नहीं करे थे। जब दूसरी पार्टी से मतदान लेने का वक्त आया, बाद में चेंज क्यों हो गए वो उनको पूछो तो ज़्यादा उन्हें सही बता देते। सर, अभी आपका जो ग्राउंड वर्क चल रहा है, आपके किस तरह से चल रहा है, आपके सपोर्ट में किस तरह से लोग आ रहे हैं? देखो, मैंने 4 चुनाव लड़ा हूँ, और ऑलरेडी बसवा कल्याण का मैं हूँ, मेरे को एक विश्वास है, जनता जो कनेक्टेड मेरे ऊपर एक विश्वास का किस्व है, मेरे सभी बिजनेस के लोग और एक छोटा भी आम आदमी भी मेरे को पहले से प्यार करता और मल्लू बोल के बुलाता, एक भाई के सरकार लेके मेरे को विश्वास के साथ मैं जहाँ भी एक बसो कल्याण का विचार लेके मैं आगे बढ़ता हूँ, वहाँ मेरे को जनता का सपोर्ट मिलता है। इस बार जितने मैं चुनाव लड़ा हूँ उससे ज़्यादा सपोर्ट इस बार मिल गया मेरे को 2021 में, मैं सोचा था नहीं इतना सपोर्ट मिलता है बोल के। अभी कल से मैं हुलसुक जाऊँगा, लोगों को मिलूंगा, हर एक सर्कल में जाके जिला पंचायत सर्कल, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत विजिट करूंगा, उसके बाद फिर डबल कार्यक्रम करके बसवा कल्याण का जो मतदार हैं, मेरे जो भगवान हैं मतदार, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं कहीं भी चूकूंगा नहीं, और सेवा करने का विश्वास दिलाऊंगा। चुनाव आयोग से पूरा लिस्ट जारी किया गया, इसमें आपका नंबर क्या है और आपका चिन्ह क्या है? मेरा ट्रेलर बोल के जो घास निकालने का एक मशीन है, उसका हमारा ट्रेलर का चिन्ह है, और नंबर 11 है। मेरे नंबर 11 आने के बाद बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं एक था, मेरे को ना भाई है भाई ना है, मैं परदेसी था, लेकिन साथ में और एक आ गया, 1+1 तो 2 हो गया, तो मेरे को बड़ी खुशी है, जनता एक के साथ एक मिलके मेरा हाथ मजबूत कर दे। इस चुनाव में मेरे को विश्वास है सभी पार्टी वाले मेरे को सपोर्ट करते हैं।